एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जस्ट अभी मैं एक वीडियो शूट कर रही थी, तो साड़ी पहनी हुई थी, तो मुझे लगा क्यों ना मैं साड़ी में वीडियो को स्टार्ट कर दूं। तो साड़ी में कैसी लग रही है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग। तो मैं पहले कभी भी साड़ी पहन के ऐसे वीडियोज़ वगैरह बहुत ही कम बनाई हूँ, रेयर एक से दो वीडियो, या फिर वीडियो बनाती नहीं हूँ या फिर निकलती भी नहीं। मैं साड़ी पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे साड़ी बिल्कुल भी पहना नहीं जाता। तो फिलहाल मैं अभी छत में थी, आप लोग देख सकते हो। तो मेरा वीडियो शूट हो चुकी है, अभी मैं जाऊँगी नीचे। तो यही था मेरा साड़ी वाला लुक। तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूंगी एंड सबके लिए खाना सर्व करूंगी एंड उसके साथ सिमई भी खाएंगे, क्योंकि कल मैं जो सिमई बनाई थी ना, तो वही सिमई बच गए थे, तो वो फ्रीजर में है। तो अभी मैं वो निकालूंगी एंड सबके लिए सर्व करूंगी। फिलहाल है चुलके रंगे पड़े जाए। तो ये रही थोड़ी सी सिमई थी, बहुत ज्यादा ठंडा है, अभी मैं इसको सर्व करूंगी। क्योंकि सुबह से मैं भागा दौड़ी के अंदर ही थी, मतलब पेट्स को सुबह में उठ के खाना देने के बाद फिर वीडियो शूट भी करनी थी साड़ी पहन के, आप लोगों ने देखी। फिर घर में छोटे मोटे काम, मम्मी के नानी के हाथ बटाना, वो थोड़ी घर पे हूँ तो वो तो करना ही है। एंड प्लीज़ इग्नोर करना, पीछे बेड्स वगैरह बिल्कुल फैले हुए हैं, अभी तक सही नहीं हुई है। और आप लोगों से कुछ कोरोना वायरस से रिलेटेड आप लोगों से बातें करनी है, जो कि हमारे एरिया में ऑलरेडी, हमारे एरिया से 5 मिनट की भी डिस्टेंस नहीं है, दूसरे एरिया में पॉजिटिव रिजल्ट आई है। और सुनने में आई है हमारे पास वाले एरिया में एक की डेथ भी हो गई है। तो बहुत ज्यादा एरिया की सिचुएशन अभी खराब है। 1 सेकेंड। तो इधर में सारे बाजार वगैरह, सुबह में जो बाजार लगते थे, मार्केट वगैरह, सब कुछ इधर से दूसरी जगह में शिफ्ट हो गई है, ताकि बिल्कुल भी क्राउड ना रहे सुबह सुबह। और हर एक एरिया में बैरिकेड्स, फिर बम्बू वगैरह से ना कवर हो गई है, मतलब दूसरे एरिया से लोग अंदर ना आ पाए या फिर इधर से बाहर कोई ना जा पाए, ताकि एरिया में सब कुछ सही रहे, जितना हो पा रही मेंटेन हो रही है।
लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा टेंशन में है। आई नो हर एक जगह में यही हालत होंगे, तो मैं बस आप लोगों को यही बोलूंगी घर से बिल्कुल भी मत निकलिए, और जितना हो सके गुनगुना गर्म पानी पीजिए, हल्दी वाले ड्रिंक पीजिए, हल्दी वाले चाय पीजिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, जो कि मैं हमेशा पीती हूँ घर पे। अभी कुछ दिनों से मैं पी रही हूँ हल्दी वाले चाय, इम्यूनिटी बूस्ट हो, तो ये सब करना बहुत जरूरी है फिलहाल के लिए। और गर्म पानी तो हर रोज पीना चाहिए, या फिर लिकर टी जो होती है वो आप लोग भी हमेशा घर में रह के पीजिए। और एक चीज जो है, मेरे कैट्स को लेके मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। और अगर गाइस आप लोगों के भी घर में कैट्स है या फिर स्ट्रीट से आते हैं खाना खाने के लिए घर के आसपास में हो, तो थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका में आप लोगों को पता होंगे शायद कि एक जू में टाइगर के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आई है कोरोना की। तो कैट एंड टाइगर जो है एक ही फैमिली से बिलोंग करती है, तो कैट के अंदर भी आ सकती है ये वायरस। तो अगर बाहर से कोई भी कैट आ रही है तो बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए कि आपके आसपास में ना आ पाए कैट्स, दूर से ही खाना दीजिए। और एक परेशानी भी हो सकती है, अगर बाहर की कोई भी चाहे कैट हो डॉग हो कुछ भी अगर बाहर से आ रही है घर के अंदर हर रोज आते हैं, जैसे कि मेरे पास भी स्ट्रीट एनिमल्स ऐसे बहुत सारे हैं बाहर से आते हैं, तो बहुत कुछ डिस्टेंस मेंटेन करनी है, और घर के पेट्स को भी उनके साथ मिलने नहीं देना है ताकि कुछ भी वायरस घर के अंदर ना आ सके। और हमेशा हाथ धोते रहिए, तो ये सब तो करनी ही है। और मेरी बालों का हालत देख सकते हो, वीडियो शूट करने के बाद इतना ज़्यादा पसीना पसीना हो गया, मतलब फिर आके ऐसे जैसे भी हो वीडियो शूट करिए, प्लीज़ कुछ माइंड मत करना आप लोग। तो चलिए थोड़ी देर बाद में आप लोगों से बातें करती हूँ। चलिए सुबह सुबह आ गई हमारे घर की और एक मेंबर, आप लोग देख सकते हो। जब तक ना मैं उसको ब्रेकफास्ट दूंगी इधर पे बैठे हुए रहेंगे। फिलहाल तो कुछ दिनों के लिए घर के अंदर अलाउ नहीं कर रही हूँ, गेट के बाहर ही रहते हैं।